ये घटना एक महीने पहले की है। मैं एक हॉस्पिटल के मेडिसिन काउंटर पर प्रिस्क्रिप्शन लेकर खड़ी थी। मेरे सर और कंधे में बहुत तकलीफ थी, जो कि धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रही थी, और मैंने यही इसी हॉस्पिटल के डॉक्टर से कंसल्ट किया था। तभी मेरे पीछे एक अजीब सा दिखने वाला आदमी आकर बिल्कुल मेरे पास खड़ा हो गया। इतने में मेडिकल स्टाफ ने मेरा प्रिस्क्रिप्शन लिया और तब तक मुझे बीपी चेक करने के लिए कहकर प्रिस्क्रिप्शन में लिखी दवाइयां देने लगा। बीपी चेक करते वक्त भी मैंने देखा वो वही घूम रहा था और मुझे घूर कर देख रहा था। मैंने जल्दी से अपनी दवाई ली और अपनी कार तक आ गई, और मैंने जल्दी से घर की तरफ कार घुमा लिया। आगे जाने पर ही रेड लाइट पर मुझे रुकना पड़ा। तभी मैंने देखा वही अजीब आदमी एक पेड़ के पीछे से निकला और कूद कर मेरे गाड़ी के पास आ गया और लॉक खोलने की कोशिश करने लगा। मैं बहुत घबरा गई। इतने में सिग्नल ग्रीन हो गई और मैंने फुल स्पीड में गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैं बार बार बैक मिरर से पीछे भी देख रही थी। मैं बहुत घबरा गई। मैं सीधा पुलिस स्टेशन गई और पुलिसमैन को सारी बात बताई। उसी वक्त एक पुलिसमैन मेरे साथ उसी आदमी को सर्च करने के लिए निकल पड़ा, लेकिन वो अजीब आदमी कहीं नजर नहीं आया। पुलिसमैन ने मुझे सुरक्षित घर तक छोड़ा और कहा, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, पुलिस उस आदमी को ढूंढेगी।